हेलो गाइज, सेविंग फंड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, HDFC देश की दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड AMC कंपनी, उसने फिलहाल अपना एक नया फंड लॉन्च किया था, HDFC डिफेंस फंड। और जिसने भी दोस्तों इस फंड में पैसे लगाए हैं, आज उनके पैसे लगभग 125% के हिसाब से है जो गरो कर रहे हैं। और अभी भी मान लीजिए कोई भी देरी नहीं हुई है, आप मात्र 50,000 रुपये लगाकर छोड़ देते हैं तो कुछ ही टाइम बाद आपके पास यहाँ पर 16 करोड़ रुपये का फंड हो सकता है। दोस्तों, HDFC का ये नया फंड डिफेंस सेक्टर का फंड है और इंडिया डिफेंस सेक्टर के तहत अभी बहुत सारी डील पर काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर DRDO ने अभी सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेस्ट करने वाला है, साथ ही साथ एवेंजर ड्रोन के लिए 8 बिलियन तक की डील, उसकी भी बात चल रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फाइटर जेट रैपेल पर भी यह जो बात चल रही है, यानी दोस्तों डिफेंस सेक्टर में बहुत सारा काम बढ़ने वाला है। मतलब इसकी कंपनियां बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत तेजी से जो वो ग्रो होगी। मतलब डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टर्स को काफी तगड़ा रिटर्न्स मिलेगा। तो अगर आपका भी दोस्तों ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्लान है डिफेंस सेक्टर में, तो HDFC का ये नया फंड आपके लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम HDFC डिफेंस फंड के रिटर्न्स देखेंगे, साथ ही पोर्टफोलियो भी देखेंगे और वीडियो के एंड में दोस्तों कैलकुलेशन करके भी कि अगर आप इस फंड में लमसम सिर्फ 50,000 रुपये या फिर 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर मान लीजिए आप महीने का सिर्फ 1,000 रुपये की SIP करते हैं, तो 5 साल 10 साल बाद कितना रिटर्न्स बन सकता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का फंड है और काफ़ी तगड़े रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों HDFC डिफेंस फंड की बात करें तो अभी लॉन्च हुआ है, यानी 1 साल भी है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। जिसके अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड का ऑल टाइम का रिटर्न 127% का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 127% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है सिर्फ 1 साल में, सॉरी ऑल टाइम में। जबकि अगर हम पिछले साल की बात करें एवरेज 1 ईयर की, तो इस फंड ने यहाँ पर 133% का जबरदस्त रिटर्न्स बनाकर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों 133% का रिटर्न, कितना ज़बरदस्त रिटर्न है। यानी दोस्तों फंड ने सिर्फ 1 साल में आपके पैसों करीब है जो 2.5 गुना किया है, जबकि पिछले 6 मंथ में 58% का, वहीं लास्ट 1 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पर 23% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है, जो कि दोस्तों किसी भी बैंक FDRD से 3 से लेकर 3.5 गुना रिटर्न है। इस फंड की सबसे खास बात यह है कि इसका पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि होल्डिंग्स में ऐसी कंपनियां शामिल हैं जिनके अंदर सरकार का फोकस काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। और यही रीज़न है कि अगर आप इसमें कम पैसे यानी 50-60 हज़ार रुपये भी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे आप यहाँ पर 15-16 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो में कैलकुलेशन करके देखें, उससे पहले इस फंड की जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका ऑल टर्म का रिटर्न 127% से ज़्यादा का है, वहीं लास्ट सिर्फ 1 साल में 133% का रिटर्न है। फंड के अगर हम NAV यानी नेट एसेट वैल्यू प्राइस की बात करें, तो वो दोस्तों इलेक्शन के टाइम 4 जून को काफ़ी नीचे गया था 19 रुपये करीब, लेकिन अब दोबारा से उठकर 23 रुपये 42 पैसे का है करंट वैल्यू। यानी कि आपको इस प्राइस पर है जो यूनिट अलॉट होगी अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स की बात करें तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर की टोटल 19 यानी कि 19 कंपनी है, जिसमें अगर हम टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज, एस्ट्रो माइक्रोवेव, BEML, MTR टेक्नोलॉजी, इसके अलावा साइंट DLM, LNT, इंटरग्लोब एविएशन और पावर मैक प्रोजेक्ट जैसे स्टॉक शामिल हैं। और ये सभी दोस्तों ऐसी कंपनियां हैं जो सीधे डिफेंस सेक्टर से लिंक है, जिसमें से टॉप 2 कंपनी यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों कंपनी ने दोस्तों लास्ट 1 ईयर में 250% से लेकर 300% तक का जो रिटर्न बनाकर दिया है। और यही रीजन है कि इसका पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। चलिए आप कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए सिर्फ 1 टाइम 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको यहाँ से ज़्यादा नहीं सिर्फ 30% का रिटर्न मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसका ऑल टाइम का रिटर्न 125% का है, बट हम सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पर 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 7 साल के टाइम पीरियड में आपके 50,000 की वैल्यू बढ़कर 3,13,000 रुपये हो जाएगी, जबकि 14 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर मात्र 50,000 की वैल्यू 19,68,000 रुपये हो जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर 21 साल तक अगर आप 50,000 रुपये लगाकर इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपके पास करीब 1,23,53,000 रुपये का फंड होगा, जबकि 7 साल और यानी कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप मात्र 50,000 रुपये लगाकर छोड़ देते हैं इस फंड में और ये कंटिन्यूस 30% के रिटर्न देता है। तो दोस्तों 50,000 की वैल्यू बढ़कर 28 साल बाद 7,75,00,000 रुपये का फंड बन जाएगा।
जबकि दोस्तों 50,000 की जगह अगर आप मान लीजिए 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं और 30% का रिटर्न मिलता है तो 28 साल में आपके मात्र 1,00,000 रुपए की वैल्यू बढ़कर 15,50,000 रुपए से ज़्यादा यानी करीब 16 करोड़ रुपए हो जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है लेकिन अगर आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं और मंथली वाइज SIP शुरू करते हैं मात्र 1,000 रुपए की, तो दोस्तों 7 साल तक SIP करने पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 84,000 रुपए, लेकिन उसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो 2,85,000 रुपए। वहीं 14 साल के टाइम पीरियड में 1,68,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 25,55,000 रुपए की। 21 साल के टाइम पीरियड में 2,52,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 2,06,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों आने वाले 28 साल तक आप मात्र 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सिर्फ 3,36,000 रुपए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपाउंडिंग का मैजिक, 1,000 रुपए मंथली की वैल्यू 28 साल बाद 16,43,00,000 रुपए हो जाएगी। और ये कोई दोस्तों मजाक नहीं है, अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं यानी कि लाइक 15-20 साल, तो कंपाउंडिंग रिटर्न के जरिए आपके पास एक बहुत बड़ा फंड बन सकता है। अब जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप 1,000 रुपए की SIP करें, आप मंथली 500 रुपए भी कर सकते हैं या फिर चाहें तो आप स्टेप अप यानी कि हर साल अपने SIP अमाउंट को 10% से बढ़ा सकते हैं, 20% भी बढ़ा सकते हैं, या फिर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप मंथली 5,000-10,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो सारा कुछ आपकी इनकम और बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी दोस्तों फंड की जो एनएवी जैसे मैंने बताया 23,42 रुपए की है। फंड साइज की बात करें तो मात्र 1 साल के अंदर तो 3,232 करोड़ रुपये का AUM बन चुका है, यानी दोस्तों HDFC पर आप भरोसा देखिए, लोगों का लगभग 3,200 करोड़ रुपये लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है सिर्फ 1 साल के अंदर। इस फंड में आप मिनिमम SIP 100 रुपये से कर सकते हैं जबकि लमसम आप मात्र 5,000 रुपये लगाकर भी छोड़ सकते हैं। फंड के खर्चे यानी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पर 0.74% का है जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। एग्जिट लोड की बात करें तो वो 1% है। इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा 1 साल से पहले विड्रॉल करने पर 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होगा, साथ ही साथ आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। जबकि आपको पता है 1 साल के बाद विड्रॉल करने पर आपको 10% LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एक सेक्टोरियल फंड है यानी रिटर्न ज़्यादा है, मतलब रिस्क भी इसमें है जो वेरी हाई है। तो अगर आप यहाँ पर हाई रिस्क कैपेसिटी रखते हैं तभी दोस्तों इस फंड में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प लेकर है जो इन्वेस्टमेंट कराएं। मेरा दोस्तों यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट डिफेंस सेक्टर का फंड है इसलिए मैंने यहाँ पर इस फंड को है जो रिव्यू किया है इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और यहाँ पर मैंने जो भी कैलकुलेशन में रिटर्न एक्सपर्ट किए हैं वो सिर्फ इसकी परफॉर्मेंस के बेस पर किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मार्केट कभी डाउन जाएगा तो आपका रिटर्न वहाँ पर है जो कम होगा और ऊपर जाएगा तो वहाँ पर आपका रिटर्न भी है जो हाई बनेगा। इसलिए आप रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही यहाँ पर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।